हमारे AICC के संगठन के महासचिव हैं और आइसन से सांसद भी हैं वेणुगोपाल जी। हम लगातार उनसे मिलते रहते हैं जब भी मैं दिल्ली में जाता हूं, लेकिन आज मेरी मुलाकात हुई थी और प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें मैंने अपनी बात को रखा और हमेशा की तरह अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, इन सबसे मुलाकात हम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो बदलाव करने की मांग हम शुरू से करते आए हैं, जहाँ ज़रूरत है, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हों या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है, और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है, तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल